नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, ठीक है। नवगठित जिलों के साथ जो है आप छत्तीसगढ़ का मैप को जो है कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हर एक जिलों को देखेंगे, नवगठित जिला साथ में जो है उन नए जिलों के बनने से जो है संभाग में जो है क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से संभाग में जो है कितने जिला ऐड हुआ है, साथ में जो सीमावर्ती राज्य होती है, जैसे मैं यदि बोलूँ कि उड़ीसा जो है हमारे पड़ोसी राज्य है, तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले जो है उड़ीसा से लगती है, तो वहाँ पे भी परिवर्तन हुआ है क्योंकि नए जिले बने हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और देखो, पढ़ाई के दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो 8-9 घंटा पढ़ता है, ठीक है, कई लोग जो है 2 से 2.5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन सही तरीके से पढ़ते हैं, मैथ के आधार पर बिल्कुल पढ़ते हैं, उनकी जो आंसर है उनको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी सारी जो डाउट है वो क्लियर रहती है। जबकि जो 8-9 घंटे पढ़ते हैं, पेज पलटा पलटा के बार बार पढ़ते रहते हैं, वो डाउटफुल ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण से वो गलत करके आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो 8-9 घंटे पढ़ाई करते हैं उससे अच्छा जो है गेस कर पाते हैं जो 2-2.5 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा चिंतन करके पढ़ते हैं। तो आपको भी पढ़ाई ऐसी करनी है कि आपकी जो आंसर है बिना डाउटफुल निकल जाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद जितने भी हम लोग छत्तीसगढ़ के जीके पोर्शन देखेंगे, कोशिश करूंगा उसको मैप के थ्रू ही सॉल्व कराने की, ठीक है। तो हम लोग मैप बनाना सीखेंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नक्शा है वो किससे मिलता है, सी हॉर्स से, यानी कि समुद्री घोड़ा से, ठीक है। तो हम उसको यहीं पे इमेजिन कर लेते हैं, सपोज ये समुद्री घोड़ा है, तो हमको उसको जो है 5 पार्ट में बांटना है, क्योंकि हमारे पास संभागों की संख्या कितनी है, संभाग की संख्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो सपोज ये जो सी हॉर्स है उसका ये जो है धड़ वाला सिर है, उसको एक पार्ट कर देना है, ठीक है, ये वाला दूसरा पार्ट हुआ, ठीक है, यहां से हम करते हैं तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और इसको बीच में फाड़ देते हैं। हमने क्या किया, 5 संभाग का एक नक्शा तैयार कर लिया। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी सर वाला हिस्सा, हेड वाला, उसको याद रखिएगा, सर से सरगुजा, ये क्या है आपका सरगुजा संभाग है, ये जो धड़ वाला भाग है गले वाला वो आपका बिलासपुर संभाग, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर संभाग है वो जो है छत्तीसगढ़ का धड़ है, इस तरीके से याद करने के लिए, सर हो गया, धड़ जो है बिलासपुर हो गया, सर से सरगुजा संभाग हो गया, ये दुर्ग संभाग हुआ, ये रायपुर संभाग हुआ, और ये जो है लास्ट में बस्तर संभाग हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको बनाने के बेसिस यही लेते हैं कि जितने भी जिला है वो पहले जो है बड़े बड़े थे, उसके बाद उसको डिवाइड कर करके अलग अलग जिला बनाया गया, तो उसी के बेसिस पे जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, सरगुजा संभाग को देखते हैं, सर वाले हिस्से को, तो सर वाले हिस्से को क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से जो है आपको काट देना है, कर्व की शेप में इधर से भी एक काट देना है। ये जो कटा है वो क्या है दोस्तों, कोरिया है, ठीक है, क्या है ये, कोरिया जिला है। ये वाला क्या है आपका, जसपुर, ये जसपुर जिला होता है। अब ये जो बच गया है दोस्तों, वो आपका पूरा क्या था पहले, सरगुजा संभाग, मतलब सरगुजा जिले में आता था, ठीक है, लेकिन सरगुजा को फिर से 2 जिलों में डिवाइडेड कर दिया गया, बलरामपुर और एक सूरजपुर। तो उसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको एक सरगुजा बना लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहां से आपको डिवाइड कर देना है, ये कुछ इस तरीके से, ये जो है सूरजपुर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बलरामपुर। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 जिले निकल के आ गए, लेकिन हाल ही में जो है दोस्तों, अभी क्या किया गया है, कोरिया जिलों को जो है, कोरिया जिला से अलग करके कुछ हिस्सा को क्या बना दिया गया है आपका, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं MCB, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये जिला भी नया बनाया गया दोस्तों, ठीक है, जो कोरिया जिला से अलग होके गया है, कोरिया जिला उसका मातृत्व जिला है, इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो रही दोस्तों हमारे पास सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या हो गई हमारे पास 6। देखते जाइएगा कितने कितने जिले हैं, टोटल 33 जिले यहाँ पे बनाने वाले हैं। 6 जिलों में कौन कौन सा, सरगुजा संभाग में जो अभी बना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरतपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, ये हमारे पास सरगुजा संभाग क्लियर हो गया। अब धड़ वाले भाग में आते हैं, ठीक है, बिलासपुर संभाग, ये वाला संभाग कौन सा संभाग होता है, बिलासपुर संभाग होता है। तो बिलासपुर संभाग में
कितने जिले बन गए हैं नए जिले के बाद उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बनाना सीखते हैं। आपको क्या करना है, जैसे हम लोग कर्व लिए थे उसी प्रकार से यहां से इस तरफ और सरगुजा के जस्ट नीचे से इस तरफ आपको एक शेप बना लेना है। इसको बीच दो भाग में आपको बांट देना है, ठीक है। ये जो वाला हिस्सा है वो आपका बिलासपुर जिला है। क्या है ये? बीएसपी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ समय पहले बिलासपुर से अलग होकर गोरेला पेंड्रा मरवाही बना गया था, और उसके पहले जो है बिलासपुर से ही अलग होकर एक और जिला बना था मुंगेली। तो हम उसको पहले बना लेते हैं। मुंगेली नीचे साइड में बिल्कुल छोटा सा कुछ इस तरीके का है आपका मुंगेली, ठीक है। जबकि ये ऊपर वाला जो भाग है इसको इस तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि बीएसपी की जो सीमा है यहाँ पे टच नहीं करती है मध्य प्रदेश को। तो इसको इस तरीके से बना लीजिएगा, ये मुंगेली होगा, ये हो गया आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया हूं, आप समझ लीजिएगा। बिलासपुर से अलग होकर क्या हुआ, दो जिले निकले थे, गोरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली, हमने क्या है यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे सरगुजा से लगा हुआ गोरेला और बीएसपी इसकी सीमा को छूते हुए क्या है आपका कोरबा है, ठीक है। कोरबा के नीचे में जस्ट आपका है जांजगीर चांपा। इसको आपको कैसे याद रखना है दोस्तों, कोरबा ऊपर में रहेगा, कोरबा जो है एरिया वाइज जो है जांजगीर चांपा से बड़ा है, जांजगीर चांपा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, तो हम उसको नीचे कर देंगे, कोरबा जो है ऊपर में रहेगा। अब यहीं पे ध्यान देने वाला है जो नया जिला बना है, ये आपका क्या है दोस्तों, रायगढ़ है, ठीक है, ये रायगढ़ है। अब जो नया जिला बनाया गया है जिसके कारण चेंजेस आ गया है नक्शा में, यहाँ पे क्या किया है, कोरबा का कुछ हिस्सा, जांजगीर चांपा का कुछ हिस्सा और रायगढ़ का कुछ हिस्सा, इसको ले के जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एक जिला बनाना है नया, वो हुआ है आपका शक्ति। शक्ति से लगा हुआ एक और नया जिला यहाँ पे बन के आया है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। रायगढ़ से अलग होकर बनाया गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, यानी कि ये सारंगढ़ यहाँ पे है सारंगढ़, ठीक है। शक्ति और सारंगढ़ को हमने बना दिया, तो समझ में आ गई स्टेप बाय स्टेप क्या किया हम लोग, दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद बीएसपी जो है बड़ा जिला था लेकिन उससे अलग हुआ गोरेला पेंड्रा मरवाही, और एक मुंगेली जिला बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे दो पार्ट में भागे, ऊपर में जो है कोरबा, नीचे में जांजगीर चांपा, और यहीं का कुछ हिस्सा मिलाकर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा को कुछ हिस्सा जो है आपका शक्ति जिला बनाया गया है, और रायगढ़ से अलग होकर एक और जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर तक जो है क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम जिलों की संख्या काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने हो गई, 3, 3, 6, 7, 8, यहाँ पे क्या हो गए, 8 जिला जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अब हमने देख लिया सर धड़ अब पेट की बात। तो हमने क्या किया था, दो भागों में बांट दिया था, एक जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है, दुर्ग संभाग है, दूसरा सेट जो है आपका रायपुर संभाग है। दुर्ग संभाग को हमको कैसे बनाना है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे जो है पार्टीशन कर दीजिएगा ये, ठीक है। अब मुंगेली जिला से लगा हुआ यहाँ पे कवर्धा काट दीजिएगा, ये आपका कवर्धा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये कवर्धा काट लिए। ये जो बड़ा क्षेत्र है वो राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, वहीं पे जो है नया जिला बनाया गया, यही जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला था लेकिन अब नहीं है, उसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है ये बीच में राजनांदगांव है, राजनांदगांव को जस्ट अलग कर कर ऊपर में क्या बनाया गया है, खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान, जस्ट उसके नीचे में एक और जिला बनाया गया है, ये वाला जो काटे हैं वो क्या हो जाएगा आपका, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, अंबागढ़ चौकी, इसको आप समझ जाइएगा, अंबागढ़ चौकी शॉर्ट फॉर्म में MMAC, ठीक है, ये बनाया है। यहाँ पे एक दो, यहाँ पे दो और ये पांच, ये पांच नए जिलों जो बनाए गए हैं उसका जो है डायग्राम हमने देख लिया। राजनांदगांव से ही अलग होकर क्या बनाया गया, खैरागढ़ और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जस्ट राजनांदगांव के अलग में। अब यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला नहीं होगा। इसके जस्ट अपोजिट जो खैरागढ़ है वहीं से एक लाइन खींच देंगे, पार्ट बांध देंगे, ठीक है, वहीं राजनांदगांव तक, राजनांदगांव का जस्ट हाफ ले लेंगे और खैरागढ़ का वहां आपका क्या है, दुर्ग जिला है, ठीक है। जस्ट उसके ऊपर में क्या है, बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा की जो सीमा है वो किससे लगी है, कवर्धा आपका खैरागढ़ जांजगीर चांपा मुंगेली, ये है, और दुर्ग से, ठीक है।
ठीक है, इधर साइड का भी आगे देखेंगे वो भी है। अब ये जो नीचे वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, बालोद, ठीक है। अब बेमेतरा और बालोद जो है ऊपर नीचे कैसे रहेगा, इसको हम कैसे देखेंगे। बेमेतरा जो है डिजिट को देख लीजिएगा, यहाँ पे चार अक्षर का है, बेमेतरा ऊपर है, बालोद में तीन डिजिट है तो वो छोटा है, ऐसा आप याद करने के लिए आप रख सकते हैं। ये पोर्शन में आता है, ये एक पोर्शन बना लिए, ये कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या यदि हम काउंट करें तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दुर्ग संभाग में हमारे पर 7 जिले बन गई, ठीक है। अब रायपुर संभाग को देखते हैं, रायपुर संभाग को भी कुछ इसी तरीके से आपको डिवाइड कर देना है। उसके बाद ये जो छोर दिखाई दे रहा है टेल जैसे, वहां करने से आपको एक पार्ट करना है, यही आपका क्या है, गरियाबंद है, ठीक है। ये गरियाबंद है, ऊपर आपका है महासमुंद, ठीक है, ये हो गई। अब दुर्ग से लेकर बेमेतरा का कुछ पोर्शन हल्का सा और दुर्ग, यहां से आपको क्या, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे जो है जितने भी जो सीमा है, यदि हम लोग एक्चुअल जो देखें यहाँ पे कौन कौन से जिला जो है कनेक्टिविटी है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको मिसकैलकुलेशन यहाँ से मिल सकता है। अभी हम लोग मैप बनाना सीख रहे हैं, जब आगे वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, रायपुर है, गरियाबंद हम लोग और महासमुंद हम लोगों ने बना लिया, रायपुर है, रायपुर के ऊपर में आपको क्या करना है, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार हो गया। रायपुर के जस्ट नीचे में आपका है धमतरी, तो ये हमारा रायपुर संभाग भी कंप्लीट हो गया है। रायपुर संभाग में जो है कितने जिले हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है रायपुर संभाग में, ठीक है। अब हमारे पास बस्तर संभाग बच गया, तो बस्तर संभाग को बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे जो दक्षिणतम छोर होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम छोर कौन सा है आपका, सुकमा होता है, ठीक है। तो सुकमा को कुछ इस तरीके से आप बना लीजिएगा, ये आपका क्या है, सुकमा सबसे लास्ट में, जिसकी सीमा जो है किससे लगी होती है आपका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में आपको एक छोटा दंतेवाड़ा बना लेना, पहले दंतेवाड़ा का एरिया बहुत बड़ा था जब तक नारायणपुर बीजापुर को जो है अलग नहीं किया गया था, यहां से एक स्लोप जैसे बना लेना है दोस्तों, धमतरी के निकट तक जुड़ी हुई, ये आपका क्या कहलाता है, कांकेर, ठीक है। अब इसको बीचों बीच दो भाग में बांट दिए और जो भी बटा है इसको इस तरीके से बांट दिए। अब यहाँ पे ये जो जिला निकल के आया है वो कौन सा है आपका, नारायणपुर, ठीक है। नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, बीजापुर, और दंतेवाड़ा के राइट साइड में कौन सा जिला है आपका, बस्तर होता है। एक जिला यहां पे बच रहा है कोंडागांव, ये आपका क्या है, कोंडागांव है, ठीक है। अब यहां से हम लोग काउंट करते हैं यहां पे कितने जिले हैं, यहां पे भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कांकेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस्तर संभाग में हमारे पास कितने जिले निकल के आ गए, 7। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने हो गए, अब हमारे पास जो है कितनी संख्या हो गई है दोस्तों, टोटल पांचों संभाग में जिलों की संख्या काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास निकल के आ गई 33 जिले, ठीक है। हमने जो है पूरे जिले का यहाँ पे मैप देख लिया है, तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके लिए क्या कीजिएगा, यदि आपके पास जो बाउंड्री सर्कल है वो फ्री हैंड नहीं बनता है तो आप एक स्टेंसिल आता है 3 से 4 रुपए का, उसको लीजिएगा, वहां पे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार अच्छे से समझते हैं हमने क्या किया, जो सर है, सर यानी कि सरगुजा संभाग, उसको क्या किया हम लोग, दो भागों में पहले बांटे, एक तो कोरिया था एक जसपुर था, ये जो एरिया था पूरा सरगुजा था, सरगुजा को जो है सूरजपुर और बलरामपुर में अलग किया गया, इसलिए हमने बीच से जो है इसको काट दिया, और अभी हाल ही में कोरिया से अलग होकर क्या बना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तो उसके लिए एक ब्लॉक और बना दिए। दूसरा जो है धड़ वाला हिस्सा वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, हमने क्या किया वैसे दो भागों में बांटे, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर से जो है गोरोला पेंड्रामर वही जो मुंगेली अलग होके क्या बना, अलग नया जिला बना, तो उस दो पार्ट में वहां से बांट दिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कोरबा है, जांजगीर चांपा है, बीच से काटने के बाद। अब कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ के कुछ हिस्से को मिलाकर जो है नया जिला बना वो है आपका शक्ति, और शक्ति के किनारे से एक नया जिला बना सारंगढ़। तो यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, शक्ति, सारंगढ़, और यहाँ पे खैरागढ़, छुई खदान, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ये जो है 5 जिले हैं, 9 गठित जिले हैं। इसलिए आप जो इसी पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आने वाले समय में जो एग्जाम है वहां से।
उसी प्रकार दुर्ग को हमने क्या किया दोस्तों, दो पार्ट में बांटा, जो ऑलरेडी दो पार्ट में बांटे थे, बीच से काटे थे उसको दो पार्ट में बांटे। ये मुंगेली से लगा हुआ कवर्धा और राजनांदगांव का पूरा एरिया को जो है दो पार्ट में बांट दिया, खैरागढ़ छुई खदाने मोहला मानपुर अम्बागढ़ जस्ट ऊपर नीचे, ठीक है। दुर्ग के ऊपर में बेमेतरा और बालोद, ये भी याद हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोग, रायपुर को पार्टीशन करने के लिए ये जो छोर निकले हैं वहीं से काटे, बीच से काटने के बाद आधा हिस्सा जो है गरियाबंद, ऊपर वाला महासमुंद, ये जो है बलौदा बाजार रायपुर के ऊपर में सिंपल है। डिजिट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बलौदा बाजार बहुत ज्यादा डिजिट का, धमतरी छोटा है यानी नीचे में रहेगा, यही यहाँ पे भी वही है, बेमेतरा ज्यादा डिजिट के है तो ऊपर में है दुर्ग का और बालोद जो है नीचे में है। और नीचे को बनाने के लिए कौन सा, बस्तर संभाग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको दक्षिणतम छोर देखना है, छोर में क्या होता है, दक्षिणतम छोर में सुकमा जिला है तो सुकमा बना लिया, उसके ऊपर में दंतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा जो है बड़ा एरिया था लेकिन उसको नारायणपुर बीजापुर में तोड़ा गया था, यानी दो जिला यहाँ पे बन गया, और इधर साइड कोंडागांव और ये जो बचा एरिया है बस्तर है, यहाँ पे एक स्लोप बनाया है वो आपका कांकेर जिला है। तो ये याद हो जाएगी, दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे संभाग की हम लोग जो संख्या है वहां पे सरगुजा में जो है प्लस वन हुआ है, पहले क्या था पांच था, अब सरगुजा का पूछा जाएगा कितने जिले हैं सरगुजा संभाग में, तो आपके छह जिले, उसको याद रखिएगा प्लस वन हुआ है। बिलासपुर संभाग में जो है क्या हुआ है, पहले कितना था, पांच ही था, अब जो है नया बनाया गया शक्ति और सारंगढ़, और ये कुछ देर पहले गोरेला जो है पेंड्रा मरवाही अलग से बना था, ठीक है। तो उसको मिलाकर कितने हो गया था, छह, और दो नया बने हैं उसको मिला के आठ हो गया। दुर्ग संभाग में जो है सात जिले हैं, दुर्ग संभाग में भी चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, खैरागढ़ और मोहला मानपुर अम्बागढ़, यानी कि दो ऐड हुआ, पहले पांच था। रायपुर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, रायपुर का पूछा जाता है कितने जिले हैं तो अभी भी अपरिवर्तित है। बस्तर की बात करें दोस्तों तो बस्तर अभी भी नया जो जिला बना है उसके बावजूद भी अपरिवर्तित है, सात ही जिला है। तो ये तो रही संभाग वाइज। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन कौन से बाहरी राज्य हैं जिसकी सीमा को जो है स्पर्श करती है और वहां पे कितने कितने जिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट को देखते हैं दोस्तों, कहाँ से जो है सीमा बनी है दूसरे राज्य की, छत्तीसगढ़ से। तो स्टार्टिंग जो उत्तर साइड है ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो जो उत्तर साइड होता है वहां उत्तर प्रदेश है। कहाँ से है, सिर्फ और सिर्फ जो है बलराम जिले से लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से जो लगी हुई जिलों की संख्या कितनी है, एक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कितनी जिले लगी हुई हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से कितनी जिले लगी हुई हैं छत्तीसगढ़ की, एक जिला उत्तर साइड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस दिशा में जो है छत्तीसगढ़ स्थित है, तो आपको पता हो जानी चाहिए किस दिशा में है। उत्तर प्रदेश की तुलना में पूछी जाएगी तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणतम छोर पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, या तो फिर ऐसा पूछ दिया जाएगा छत्तीसगढ़ के किस साइड में जो उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश टच होती है, यहाँ से जो बाउंड्री है वो आपके राजनांदगांव तक कुछ इस तरीके से मिलकर क्या है, आपका मध्य प्रदेश है, एमपी। एमपी में कितने जिले शामिल हैं उसको देख लेते हैं, तो राजनांदगांव है, खैरागढ़ है यानी कि दो हो गया, तीन हो गया, मुंगेली चार, गोरेला पेंड्रा मरवाही पांच, एमसीबी छः यानी कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, कोरिया जो है सात, सूरजपुर आठ, बलरामपुर नौ। मध्य प्रदेश में आपका टोटल नौ जिले हैं जो सीमा बनाती है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ की जो है टोटल नौ जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, सीमा साझा करती है, ये समझ में आ गई। ये जो राजनांदगांव है जहाँ से टूटा है वहाँ से बीजापुर तक आपका कौन सा, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करती है। और महाराष्ट्र के बीच में कितने जिले हैं, राजनांदगांव भी आएगा क्योंकि वो भी ज्वाइंट है, और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ये भी जो नया जिला बना है वो भी है, कांकेर है, नारायणपुर है और बीजापुर है, यानी कि महाराष्ट्र के साथ जो है पांच जिला हैं जो कि अपनी सीमा साझा करती है। इस इन सब चीज़ों को याद रखने क्योंकि अब ये परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है, ये जो है नया डेटा है। अब इसके बाद जो बीजापुर है वो सुकमा, यहाँ से जो है आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, सुकमा का जो आधा हिस्सा है, आधा से थोड़ा सा कम, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा बनता है, और सुकमा से जो है सुकमा तक ही जो सीमित रहता है वो आपका क्या रहता है, सॉरी ये तेलंगाना है, गलती हो गई, ये जो है तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना के साथ दो, ठीक है,
दो जो जिला हैं वो तेलंगाना राज्य के साथ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ये जो है आपका आंध्र प्रदेश है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी सीमा कौन सी है जो छत्तीसगढ़ के साथ, ऐसा राज्य कौन सा है जो सबसे कम जो सीमा है उसको छूती है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही जिला जो है जुड़ी हुई है आंध्र प्रदेश से, वो है सुकमा। अब यहाँ जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से आपका जसपुर तक, ठीक है, जसपुर तक जो है छूती है सीमा। सबसे लंबी जो सीमा है, ऐसा राज्य जो जिसकी सर्वाधिक सीमा है जो है छत्तीसगढ़ को छूती है, वो कौन सी है? उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा में कितने जिले हैं वो देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये धमतरी भी यहां से टच करती है, 9। ठीक है, तो कितने हो गए यहां पे? उड़ीसा भी 9 हो गया। और ये जो हिस्सा है वो कौन सा है होता है? ये झारखंड की सीमा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ झारखंड, झारखंड में जो है कितने जिले आते हैं आपके? बलरामपुर और जसपुर, यानी कि 2 जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है उड़ीसा। और यहाँ पे एमपी, एमपी में भी 9 जिला हो गए आजकल जो बढ़ने के बाद। ठीक है, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका क्या है? 5 जिला है। ठीक है, तेलंगाना में 2 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, उड़ीसा में 9 है, झारखंड में 2 है, उत्तर प्रदेश में 1 है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चेंजेस हो गया है नए जिला बनने के कारण। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतनी है। अब जितने भी टॉपिक देखें दोस्तों, इसी मैप के आधार पर ही देखने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो रटने का ट्रिक है, बनाने का ट्रिक है मैप को, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार में नहीं बनेगा। 3-4 बार एक स्टेंसिल लीजिएगा, उसको कार्बन कॉपी ले लीजिएगा, छाप लीजिएगा, या तो फिर आप जो बुक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे भी छत्तीसगढ़ का नक्शा दिया रहता है, उसको जो है क्या कीजिएगा, कार्बन कॉपी में छाप लीजिएगा और ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा पार्टीशन करने की। अब यहाँ पे यदि आपको ये समझ में आ जाती है कहाँ पे क्या जिला है, तो कुछ भी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको जो है गेसिंग करते बनता है। ठीक है, आंसर जो है ऐसी नहीं कि तुक्का मार के आ गए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया रहते हैं, सब चीज़ पढ़ रहते हैं, फिर भी से जो है वो गलत करके आ जाते हैं सीमा से रिलेटेड जानकारी को। तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों, मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।